यहाँ भगवान का बस नहीं चलता। आश्रम के कमरे के ऊपर ये लिखा था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में गुस्सा और उसका बदन डर के मारे कांप रहा था, जिसने दाएं हाथ में किताब पकड़ी हुई थी और बाएं हाथ में एक चाकू। बस अब और नहीं, बहुत तड़पा लिया है तूने। अपने दांत भींचते हुए उस लड़की ने खुद से कहा और कमरे का दरवाजा खोल अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और कुछ मिनटों बाद उस कमरे से उस लड़की के चीखने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार रहा हो, जिसका सबूत दरवाजे से नीचे गिरता खून था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये सोनम सो गई क्या? उठना। पति उमेश और उसकी पत्नी सोनम बिस्तर पर सोए हुए थे और उमेश बार बार सोनम के गाल थपथपाता हुआ उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी सोनम ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं आज नहीं, आज तुमने पी हुई है। सोनम ने करवट तो बदल ली थी लेकिन उसे फिर से अपने गालों पर किसी की थपकी सुनाई थी। इससे सोनम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है उमेश, सोने क्यों नहीं देते? इतना कहकर सोनम ने आंखें खोली थी कि उसने जो देखा उसे देख उसकी नींद के साथ उसके होश भी उड़ गए थे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उमेश की सड़ी हुई लाश थी जो उसे घूरे जा रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उमेश ने सोनम की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन से मांस नोच खाने लगा, जिसके दर्द से सोनम बिस्तर पर ही तड़पने लगी कि अगले ही पल एक चीख के साथ सोनम बिस्तर से उठ बैठी थी। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसे ये भी यकीन हो गया था कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो महज सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने उसके पति की तस्वीर दीवार पर थी जिस पर हार लटका था। तुमने मुझे तड़पाना, अभी तक नहीं छोड़ा ना, सोनम ने खुद से कहा और वापस बिस्तर पर लेट गई। सोनम पुलिस डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंट एजेंट थी जिसे अकेले ही केस सॉल्व करने के लिए भेजा जाता था। ऐसे ही केस के सिलसिले में वह आश्रम में आई थी जहाँ मुलाकात एक सब इंस्पेक्टर से हुई थी। सब इंस्पेक्टर हाथी राम। मैडम जी, सीबीआई भी थक चुकी है इस केस को लेकर, उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा, बस एक हादसा बताकर फाइल को बंद कर दिया, पता नहीं फिर आपको क्यों भेजा है केस को रिओपन करने के लिए। सोनम ने भी हाथी राम की सारी बात सुन बस इतना कहा, मुझे उस जगह पर ले चलो और उस केस की फाइल लाए हो क्या? जी मैडम वो तो लाया हूँ, पर आप अकेली आई है, तो कोई मर्द नहीं आया आपके साथ? मर्द का जिक्र सुनकर ही सोनम की आंखें हाथी राम को घूरने लगी। सोनम का घूरता देख हाथी राम भी समझ गया था कि सोनम को ये बात बुरी लगी है, इसलिए खुद ही सफाई देते हुए बोला, सॉरी मैडम जी, उस केस पर अब तक सिर्फ मेल ऑफिसर को ही काम करते देखा है ना, इसलिए। हाथी राम अभी बोल ही रहा था तभी सोनम ने देखा कि कोई दूर एक लड़की खड़ी है जो उसे ही देख रही है और उसके जिस्म पर ढेरों कटने के निशान है। पर इससे पहले सोनम उससे कुछ पूछने के लिए उसके पास जा पाती, हाथी राम ने उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, लीजिए मैडम जी, इस केस की फाइल, इसमें अब तक का सब कुछ लिखा हुआ है। सोनम ने जैसे ही फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फाइल के पहले पेज पर उसी लड़की की फोटो लगी थी जो अभी कुछ देर पहले उसे बदहाल में दिखी थी। पर फाइल में जो उसकी फोटो लगी हुई थी उसे देख वो किसी अप्सरा की तरह थी। सोनम ने तुरंत ही फाइल बंद कर हाथी राम को वापस थमाते हुए कहा, ये सब कहानी है, मुझे सच जानना है, और उसी दिशा में चल दी जहाँ पर उसे वो लड़की दिखी थी। वो वहाँ पहुँच कर इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक ही उसे एक पेड़ पर किसी लड़की की लाश पेड़ से लटकी दिखी, जिसे देख सोनम का खून सूख गया था। उसने अभी कदम बढ़ाया ही था कि किसी ने उसका पैर पकड़ मुंह के बल नीचे गिरा दिया, पर उसके पास कोई था ही नहीं। लेकिन जब उसने नजर उठाकर देखा तो अब हर पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी जो दिखने में इसी आश्रम की दासियों की लग रही थी। सोनम भी समझ गई थी कि ये सब उसकी आंखों का भ्रम है और उसे डराने के लिए सब किया जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और बस इतना, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मुझे यहाँ से भगाने के लिए कर रही हो, पर मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ और उनसे बात कर सकती हूँ। सोनम ने इतना कहा ही था कि उसके आसपास हवा का एक तूफान बनने लगा और देखते ही देखते वो हवा उसके जिस्म को काटने लगी थी, और कुछ पल बाद ही सोनम खुद के खून में लहूलुहान हो गई। पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और बस यही कहती रही,
कि वो यहाँ पर उसकी मदद के लिए आई है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद सोनम वही बेहोश होकर गिर गई, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी आंख उसी आश्रम के कमरे में खुली और उसके सामने वही फाइल वाली लड़की बैठी हुई थी। दोनों अपने ही खून में लथपथ थे, बस फर्क इतना था कि एक जिंदा थी और एक मुर्दा। क्या हुआ था उस रात जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है? सोनम ने होश में आते ही उस लड़की से पूछा था। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं एक बांझ थी, बच्चे ना होने के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं इस आश्रम में आई और एक दासी बनकर इस आश्रम की सेवा करने लगी। यहाँ दूर दूर से लोग आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। इस आश्रम को गुरु सिद्धेश्वर चलाते थे और उनका एक बेटा था पुरुषोत्तम, जो आश्रम की सभी दासियों पर बुरी नजर रखता था, उनका फायदा उठाता था। कई बार तो खुद मैंने उसे नंगा ही दासियों के साथ उसके कमरे में देखा था। मैंने ये बात आश्रम के गुरु सिद्धेश्वर को भी बताई, पर वो मजबूर थे। इतना कह वो लड़की रोने लगी थी। इस पर सोनम ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वो कमीना इज्जत से खिलवाड़ करता रहा और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। हाँ, क्योंकि पुरुषोत्तम रोज गुरुजी को सांप का थोड़ा थोड़ा जहर देता था और जब तक ये बात गुरुजी को समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस जहर का तोड़ सिर्फ पुरुषोत्तम के पास ही था। फिर एक दिन मेरी बारी आई और जब मैं उस कमरे में गई तब मुझे असलियत का पता चला। कैसी असलियत? ऐसा क्या देखा तुमने? पर इससे पहले वो लड़की कुछ और कहती, अचानक इसकी आत्मा गायब हो गई और सोनम के सारे सवाल अधूरे रह गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो आत्मा अचानक से कहां गायब हो गई, क्योंकि आज से पहले वो जिस भी आत्मा से बात करती उसे उसके जवाब मिल ही जाते थे। फिर किसी तरह सोनम खुद को संभाल कर जब बाहर आई तो उसके सामने हाथी राम खड़ा था, जो डर के मारे कांपता हुआ उसे ही देख रहा था। मैडम, आप तो जंगल की ओर भागी थी ना, फिर यह इस आश्रम के अंदर से कैसे निकल रही है? बल्कि यही से तो सारा कांड हुआ था। कैसा कांड? 21 दासियों को कत्ल, इसलिए बोल रहा था। फाइल को पूरा पढ़ लीजिए। ये सब सुनकर सोनम को हाथी राम के पीछे उन सभी 21 दासियों की आत्माएं एक एक करके नजर आने लगी थी। सब की सब दासियां सोनम को देखकर रो रही थी और उसके सामने हाथ जोड़ उससे इंसाफ की गुहार लगा रही थी। एक साथ इतनी आत्माओं को सोनम ने पहली बार देखा था। अब उसे भी यह मामला संगीन लगने लगा था और अगले ही पल सोनम ने हाथी राम से कहा, हाथी राम गाड़ी निकालो, मुझे अभी इस आश्रम के ओनर सिद्धेश्वर से मिलना है। पर मैडम जी, वो तो लंदन गए और एक साल तक वापस नहीं आएंगे, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। कि तभी वो फाइल वाली लड़की सोनम के पीछे आई और कहा, झूठ बोल रहा है ये हवलदार, ये भी उनसे मिला हुआ है। सिद्धेश्वर आज भी उस आश्रम के बेसमेंट में रहता है। इतना कहते ही उस लड़की की आत्मा फिर से गायब हो गई। इस पर सोनम ने हाथी राम से कहा, हाथी राम, बहुत पुराना है ना ये आश्रम, बहुत माल जमा किया होगा ना इन्होंने, चल दिखा मुझे। मैडम जी, क्या बोल रही है आप, बड़ा मुझे कैसे पता यहाँ के बेसमेंट के बारे में? हाथी राम अभी बोल ही रहा था कि तभी सोनम ने अपने पीछे से रिवॉल्वर निकाल एक गोली हवा में फायर करी और फिर उसी रिवॉल्वर को हाथी राम पर तानते हुए कहा, दोबारा नहीं पूछूंगी, समझा? हाथी राम भी सोनम का तेवर देख कर डर गया था। अब इस सोनम को सीधा सिद्धेश्वर के पास ले गया। सिद्धेश्वर का हाल हैंगर पर टंगे किसी कपड़े की तरह था, एकदम पतला शरीर मानो एक फूंक से उड़ जाए। इस पर भी पूरे शरीर पर फोड़े जिनसे पस निकल रही थी, उसे कोड़ी हो गई थी। इस वक्त सिद्धेश्वर के पास से इतनी बदबू आ गई थी कि 2 मिनट भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर फिर भी सोनम ने इन सब बातों को दरकिनार कर सिद्धेश्वर से पूछा, ऐसा क्या कर रहे थे तुम और पुरुषोत्तम आश्रम में जो 21 दासियों की जान चली गई? बोलो वरना सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल बची हुई जिंदगी भी नरक बना दूंगी। मैं जानता था मैं सच से कभी नहीं भाग पाऊंगा और आज वो वक्त आ ही गया। पुरुषोत्तम मेरा सौतेला बेटा था, वो बस मेरी एक भूल थी जो मेरे विनाश का कारण बन गई। उसे काली विद्याओं में बड़ा यकीन था, इसीलिए वो दासियों के साथ संभोग करता, फिर जब उसका पेट भर जाता तो उनकी बलि दे।
किताब के अंदर उनकी आत्माओं को कैद कर देता। उसका कहना था कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा वो तो आत्माएं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। लेकिन जब उसने 21वीं दासी कुमुद की बलि देनी चाहिए तो कुमुद ने पुरुषोत्तम का गला काट उसे मार दिया। लेकिन इतना क्या सिद्धेश्वर चुप हो गया था कि तभी सोनम ने गुस्से में फिर पूछा, लेकिन क्या आगे बोलो। तभी कुमुद की आत्मा एक बार फिर सोनम के सामने आ गई। जी हाँ, उस फाइल वाली लड़की का नाम कुमुद था जो बार बार सोनम की मदद करने को आती थी। उसने कहा, जब मैंने पुरुषोत्तम को मारा था तो उसने अपनी 20 दासियों की आत्माओं को मुझे मारने के लिए भेज दिया और उन्होंने ही मुझे मौत के घाट उतारा। लेकिन अब उस किताब में पुरुषोत्तम की आत्मा भी कैद है अपनी उन 20 दासियों के साथ, जो आज भी मुझसे मुक्ति की गुहार लगाती है, और इन सब में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना सुन सोनम ने सिद्धेश्वर से पूछा, वो किताब कहाँ है? सोनम के मांगने पर सिद्धेश्वर ने उसे अपने तकिए के नीचे से काली किताब निकाल कर सोनम को देते हुए कहा, ध्यान से खोलने से इसमें मौत बंदी है। पर सोनम ने तो किताब हाथ में लेते ही उसे खोल दिया और किताब को खोलते ही उसमें से दासियों के काले साए निकले, सोनम के सामने खड़े हो गए। उनके बीच पुरुषोत्तम की आत्मा भी थी। और फिर अगले ही पल पुरुषोत्तम के एक इशारे पर सभी 20 दासियों की आत्माओं ने सोनम पर हमला कर दिया। इतनी आत्माओं से एक साथ लड़ पाना सोनम के बस की बात नहीं थी। वो दासियां भी सोनम का मांस काट कर उसे अधमरा कर रही थी। सोनम अब उन्हीं आत्माओं के नीचे तब के मरने वाली थी कि तभी कुमुद की आत्मा ने कहा, इस किताब को चला दो, तभी इन दासियों को मुक्ति मिलेगी, वरना ये पुरुषोत्तम उनकी आत्माओं के साथ भी दुष्कर्म करता रहेगा। दुष्कर्म का नाम सुनकर सोनम का खून खौल गया था, क्योंकि उसने अपने पति को भी इसी चक्कर में मारा था। क्योंकि वो रोज रात नशे में सोनम को इंसान नहीं बल्कि अपने मजे की चीज समझता था। ये सोचकर ही सोनम ने अपनी हिम्मत बटोरी। उन्होंने आत्माओं के बीच से निकल आई और कोने में पड़ी एक लालटेन उठा किताब पर दे मारी, जिससे अकेले पुरुषोत्तम की आत्मा चीख रही थी। पर दासियों की आत्मा तो धीरे धीरे सोनम के आगे हाथ जोड़कर एक एक करके मुक्त होने लगी थी। सारी कहानी सुलझाने के बाद सोनम ने अपनी रिपोर्ट बनाई और ये लिखा कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था, सीबीआई सही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।